स्वास्थ्य विभाग का एक सामान्य निरीक्षण था, प्री प्लान था और बहुत पहले उनको सूचना दे के पूरी तैयारी करने का समय देते हुए किया गया है। वहाँ की पूरी कार्य संस्कृति को देखा गया। अब तो सदर अस्पताल जो भी है लगभग 20 एकड़ जमीन है तो आपको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर गया। अब सदर अस्पताल तो यहाँ है नहीं, लेकिन PHC है, मंडली हॉस्पिटल है, आपका APHC है 75। APHC 75 में 31 औकाजरत है, जिसमें कुछ भवनहीन है, कुछ भूमिहीन है। उसमें हमने निर्देश दिया है कि जो भवन भूमिहीन है कम से कम उसका भूमि उपलब्ध करा ली जाए, और जो जिसमें स्टाफ पोस्टेड उसमें कम से कम कार्यशील करा दिया जाए, जहाँ भी पंचायत भवन हो या अन्य कोई भवन हो तो वहाँ कार्यशील करा दिया। स्वास्थ्य उपकेंद्र लगभग 285 सही से 275 कार्यरत बता रहे हैं, 11 नहीं, 11 को भी कार्यरत करने के लिए बता रहे हैं। ऑफिस का जो वर्किंग सिस्टम बहुत जो नियम है सरकार का उसके अनुरूप नहीं पाए, संचिका का संधारण बहुत अच्छे से नहीं, अनुकंपा के 8 मामले लंबित पाए गए, सेवांत लाभ के तो एक भी मामले लंबित नहीं थे, जो आश्चर्यजनक भी है कि इतने बड़े महकमा में ये अगर है सही में तो अच्छी बात भी है। विभागीय कार्रवाई भी लंबित नहीं है, विभागीय कार्रवाई में यहाँ से निर्णय नहीं लेते हैं लोग, डायरेक्टर से निर्णय लेते हैं, और सिविल सर्जन द्वारा कुछ इंस्पेक्शन भी किया गया है जहाँ पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत देखे गए 300 कभी करीब यहाँ ये आपको नर्सिंग होम डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह निबंधित हैं, लेकिन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रूल्स जो बना है 10 और 13 में उसके अनुरूप जिला प्राधिकार का गठन होना था। गठन तो 15 में ही लोग किए, लेकिन जिला प्राधिकार फंक्शनल नहीं। हम उनको कहे हैं कि जो एक्ट रूल्स में है डिटेल्स उसके अनुरूप आप काम कीजिए, पूरी जानकारी लोगों को नहीं। शिक्षा का स्वास्थ्य विभाग का वो लोग काम देखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो डायरेक्शन है वो नहीं। एम्बुलेंस दिया गया है, बाइक एम्बुलेंस 10 बाइक एम्बुलेंस आना है, उसमें चालक उन्हीं को देना, लेकिन चालक वो लोग नहीं अभी तक दिए। उसमें इन्होंने कहा कि पैसा हम लोगों के अवेलेबल नहीं हुआ, कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटि भी बीच में पाई गई है।